तेरी जो घर से निकल के कहीं तो रस्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तो क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का कर। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। तो गाइस आज संडे है और संडे की हमारी बाइसिकल राइड है और ये देखिए मैंने रेनकोट पहना हुआ है क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो बता दूं मैं जा रहा हूँ आज कमला नेहरू रिज जो कि है ओल्ड दिल्ली में और सिविल लाइंस के पास है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एरिया है ये। तो ये एक छोटा सा रिज है, जंगल है, अरावली हिल्स, यहाँ पर छोटी मोटी हिल्स भी देखने को मिलेगी और बहुत ही प्यारा पार्क है। तो चलते हैं अब वहाँ पे, हमें जायद भाई मिलेंगे। लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा होगा जायद भाई जो लोधी गार्डन में आए थे, अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कमला नेहरू रिज और इसको बोंटा पार्क भी कहते हैं। तो बोंटा पार्क देखिए हमारे साथ। लगभग 6:05 हो गए हैं और पूरा अभी रोशनी नहीं हुई है, अंधेरा है और मैं निकल पड़ा हूँ राइड पे और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। ये देखो पूरी जितनी सड़क है पूरी गीली हो चुकी है हल्की हल्की, और आगे भी पता नहीं बारिश मिलने के चांस हैं क्या है। मैंने रेनकोट ले लिया है तो देखते हैं आगे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बोंटा पार्क या कमला नेहरू रिज पार्क। अभी मोती नगर को क्रॉस कर रहे हैं और फिर इंदर लोग, शक्ति नगर, पुरानी दिल्ली। नॉन स्टॉप आ रहा हूँ मैं और ये रेनकोट में बड़ी गर्मी लग रही है, अंदर पसीना आ गया। कहीं देखते हैं उतार लेते हैं अभी आगे चलते। बूंदाबांदी आ रही है जा रही है, अब तो बंद है। ये मोती नगर का एरिया है, ये देखो अक्टूबर का मंथ चल रहा है और देखिए बारिश हो रही है दिल्ली में, और बारिश में हम राइड कर रहे हैं। जयद भाई भी बारिश में फंस गए हैं, वो 11 मूर्ति के वहाँ पे रुक गए थे। अभी उनका फ़ोन आया कि मैं वहाँ रुक गया हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो दिल्ली में आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज संडे है और 17 अक्टूबर 2021 का दिन है और हम शक्ति नगर की तरफ मुड़ गए हैं। ये रास्ता पूरा शक्ति नगर घंटाघर को जाएगा, शक्ति नगर को क्रॉस करके हम पुरानी दिल्ली, जो मेन पुरानी दिल्ली सदर वाला एरिया है वहाँ पे एंटर कर जाएंगे। ये देखिए सामने ट्रेन। अभी मेरे ऊपर से ट्रेन निकल गई भाई, अभी अभी निकली है, ये पीछे जो जा रही है मेरे ऊपर से निकली है ट्रेन। आज पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं, बारिश अगर बहुत तेज़ होगी फिर तो मुश्किल है। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में पहुंच गए हैं, हंसराज कॉलेज, किरोड़ी मल कॉलेज और पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है ये। दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स मेरे राइट हैंड पे है और पीछे था किरोड़ी मल कॉलेज। अभी आपको दिखाएंगे कमला नेहरू रिज जो एक छोटा सा जंगल है। तो गाइस हमने कमला नेहरू रिज में एंटर कर लिया है, ये गेट नंबर 1 है दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1, और हम बाइसिकल अपने अंदर ले आए हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है पार्क। तो यहाँ पे काफ़ी ऑफ रोडिंग भी है, अभी चलेंगे आगे दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी जगह यहाँ की। तो यहाँ से 400 मीटर पे है एक खूनी झील के नाम से एक लेक है, वहाँ देखने चलते हैं। कहा जाता है यहाँ पे कई जोड़ों ने सुसाइड किया था जिसके नाम पर ये खूनी झील पड़ी है, और इस पार्क को हॉन्टेड पार्क भी कहते हैं। जैसे संजय वन को बोला जाता है हॉन्टेड पार्क, तो उसी तरह ये बोंटा पार्क है और इसका दूसरा नाम कमला नेहरू रिज जो कि नॉर्दर्न रिज के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने का भी मज़ा आएगा, तो थोड़ी ऑफ रोडिंग भी करेंगे, बाइसिकल चलाएंगे और अपना मस्ती करेंगे। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं खूनी लेक पे, खूनी झील पे, और ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ये सामने दिखाई दे रही है, ये है खूनी झील जो चारों तरफ से बंद कर दी है। यहां पे काफ़ी सुसाइड हुए हैं जिसकी वजह से ये इसका नाम खूनी झील पड़ा है। तो बहुत ही गंदी झील है,
तो यहाँ पे अभी मैंने फोटोग्राफी करी और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे हरफन मौला जाहिद भाई से। हेलो, हेलो, हेलो। एक बार फिर जाहिद भाई हमारे साथ राइड करते हुए, और आज मैंने 20 किलोमीटर किया है। वैसे लंबा जी हम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 20 किलोमीटर कर लिया तो आज मेरा अच्छा डे है। बीच में खतरनाक बारिश भी हुई, लेकिन बारिश में हम धीरे धीरे चलते रहे और फाइनली यहाँ पे पहुंच गए 2.5 घंटा लगा के। मस्त जगह है। और लंबा जी आप पूरा सीनरी दिखाओ, क्या हरे समंदर के बीच में ये देखो बैठे हुए। ये देखो जी, ये देखो, बहुत ही प्यारा व्यू था जिसके कारण हमने एक अपनी साइकिल नीचे उतार के लाए हैं और फोटोग्राफी करी है, और अब ये छोटा सा व्लॉग बनाया आपके लिए। यस, और अब हम लम्बा जी आपका इंटरव्यू इस पे भी लिया जाएगा। तो गाइस अभी जो पीछे आप टावर देख रहे हैं ये है फ्लैग स्टाफ टावर, जो कि 1828 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। और जब 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था तो जितने भी यूरोपियन लोग थे, बच्चे, लेडीज़, यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी, यहाँ पे छुपे थे वो। ये फ्लैग स्टाफ टावर का इनसाइड की ये पिक्चर्स हैं, वीडियो में बना रहा हूँ। ये अंदर की है ये पूरी, और काफ़ी बड़ा है अंदर से, और मैंने आपको बता ही दिया। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट मोनूमेंट्स देखने, और ये मेटल रोड है यहाँ पे, बीच बीच में काफ़ी मेटल रोड है, ऑफ रोड है, अंदर की तरफ है, काफ़ी हमने ऑफ रोडिंग भी की है, और अब मेटल रोड पे चल रहे हैं। तो दिखाते हैं नेक्स्ट मोनूमेंट्स। ये देखिए रोड आगे, मेटल रोड, और इस तरफ पूरा डेंस फॉरेस्ट, और ये सामने है चोब ऊर्जा, मस्जिद है, इमारत है, प्राचीन इमारत है ये सामने चारों तरफ। ये देखो यहाँ से भी फोटो अच्छी आ जाएगी, है ना। तो गाइस हम अभी चोबुर्जी, कोई मस्जिद है या कोई प्राचीन इमारत है, उसके सामने खड़े हैं। ये सामने देखिए, ये देखिए, ये है चोबुर्जी इमारत, प्राचीन इमारत है, ऊपर मोर बैठा है देखो, लेकिन अंदर नहीं जा सकते हैं, गेट बंद है। अभी हम गेट ढूंढ रहे हैं और गेट से फिर हम बाहर निकल जाएंगे। काफ़ी बढ़िया है यार, कमला नेहरू रिज जो पार्क है, बोंटा पार्क, बहुत ही खूबसूरत है यार, और बहुत ही बड़ा है, एक बार में तो आप पूरा कवर कर ही नहीं सकते। हमने मोस्टली काफ़ी कवर करा है, क्योंकि हमारे पास साइकिल है, इसलिए हम चारों तरफ घुमा ही दी हमने साइकिल। और यहाँ पे दो मोनूमेंट्स देखे हमने, दो झीलें देख ली हैं, और एक रिजर्वर था एक छोटा सा। सामने गेट आ रहा है, गेट से फिर बाहर निकल जाएंगे हम। अभी हम खड़े हैं अशोका स्तंभ के बिल्कुल सामने, ये पीछे देखिए, ये है अशोका स्तंभ, जो कि ये 3rd century का अशोका स्तंभ है, और इस पर लिखा हुआ है कि ये मेरठ में लगाया गया था 3rd century में, लेकिन फिरोज शाह ने 1356 में वहाँ से मेरठ से ला के यहाँ पर स्थापित किया था। तो ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है ये अशोक स्तंभ। इस तरह के काफ़ी स्तंभ पूरे इंडिया में लगे हुए हैं, कम से कम 7-8 स्तंभ लगे हुए हैं। एक अपना कुतुब मीनार पे भी स्तंभ लगा हुआ, लो स्तंभ है वो। तो अभी हम आगे जा रहे हैं म्यूटनी मेमोरियल देखने, जो कि थोड़े पास में ही है, ये रास्ता सीधा जा रहा है, ये पूरा नॉर्दर्न रिज एरिया है। तो गाइस अभी हम खड़े हैं म्यूटनी मेमोरियल में, जो कि अपना कमला नेहरू रिज के बिल्कुल अंदर ही बना हुआ है, लेकिन ये ऑन रोड आपको दिखाई देता है। तो ये जो मेमोरियल है ये 1863 में ब्रिटिशर द्वारा बनाया गया था। ये सामने देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। तो ये मेमोरियल ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स की याद में बनाया गया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, ब्रिटिश फौज मारी गई थी, तो उनकी याद में ये बनाया गया था।
गाइस अभी पूरा एक्सप्लोर करने के बाद अब भूख लगी है, सुबह से नाश्ता नहीं किया, 11 बज चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं ओम दी हट्टी जो कमला नगर में है ना। तो जाहिद भाई मैं जा रहे हैं ओम दी हट्टी छोले भटूरे खाने, अगर मिलते हैं तो अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, पता ही मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आपको सीधे वहाँ मिलते हैं। तो गाइस ये है शक्ति नगर क्लॉक टावर, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी हम इस क्लॉक टावर को क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं कमला मार्केट में भटूरे छोले खाने, तो मिलते हैं आगे आपको। भाई तो भाई रिक्शे वालों ने आतंक मचा रखा है यहाँ पे। तो ये है राम रूप टावर, क्लॉक टावर कहते हैं अपना शक्ति नगर का क्लॉक टावर, राम रूप टावर है ये। तो अभी हम हैं कमला मार्केट में और ये है ओम दी हट्टी, यहाँ के छोले भटूरे सबसे फेमस हैं। तो जाहिद भाई लेके आए हैं हमें ओम दी हट्टी छोले भटूरे खाने, और बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत आवाज़। तो अभी खाते हैं छोले भटूरे, फिर बताते हैं आपको कैसा था टेस्ट। और जाहिद भाई लेके आए हमें यहाँ पे, मेरे को इंद्रजीत भाई लाए थे, इंद्रजीत सोनी, हम सारे लोग मिलके एक राइड पे जब आए थे ना, तो यहाँ के मेरे को बड़े सही लगे। अच्छा। मेरे को ये जगह मैंने माफ कर दी थी, मेरे को अगली बार जब आऊंगा तो यहीं पे आऊंगा। ओम दी हट्टी, तो ये आ गए हैं हमारे छोले भटूरे और साथ में लस्सी कैंपा, और जाहिद भाई लग गए हैं अपना खाने में। टेस्टी हैं यार छोले, बहुत टेस्टी हैं, फेमस है ये भाई साहब। ये लस्सी बहुत ही मस्त है यार, मलाईदार पूरी, खतरनाक लस्सी है। ऐसी लस्सी बहुत ही कम जगह पे मिलती है, बढ़िया लस्सी। भटूरे खा लिए हैं, लस्सी पी ली। तो 11:45 हो गया है, अभी हम हैं कमला नगर ओम दी हट्टी पे। तो जाहिद भाई ने अभी पैकिंग करा ली है, मैंने भी पैकिंग करा ली है, अब हम चल रहे हैं सीधे घर को। तो जाहिद भाई चलते हैं फिर, अब चलते हैं मिलते हैं। बहुत मज़ा आया आज की आज की राइड करके, बाइसिकल राइड करके बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी जगह हमने एक्सप्लोर करी और जो कि अनएक्सप्लोर्ड जगह थी। तो चलते हैं अब। तो गाइस 12:55 हो गए हैं और ये केशवपुर मंडी के होके गुजर रहा हूँ, ये सामने है केशवपुर मंडी सामने, और लगभग मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ। तो मैं 11:50 पे चला था कमला मार्केट से, और 1:05 हो गए मुझे कंटिन्यू बाइसिकल राइड करते हुए। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद, जय नारा।